साथियों, बरेली तो सेना और सैनिकों की धरती है। शहीदों के निशान यहां है, शौर्य की गाथाएं यहां है। हम रक्षकों को सम्मान देने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र रक्षा में काम आते हैं उनके प्रति हम नतमस्तक रहने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति के लिए कांग्रेस के नेता और सपा बसपा के लोग क्या क्या बातें करते हैं आप सभी देख रहे हैं कि सिर्फ भाजपा और एनडीए ही जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर, भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर आपके बीच आपके आशीर्वाद लेने आए हैं। साथियों, हम कह रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटाना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जम्मू कश्मीर से सेना को हटाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को खुली छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहती है कि देश के वीर जवानों को लाचार कर देना चाहिए, हिंसा वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए उनको जो विशेष अधिकार मिला है, जो एक कानूनी रक्षा कवच मिला है, कांग्रेस वाले उसको भी हटाने का फैसला करना चाहते हैं। साथियों, ये अगर हो गया तो जो पत्थरबाज हैं, जो आतंकियों को समर्थन करते हैं, वो झूठे केस के दायरे में हमारे सैनिक आतंक से भिड़ने के बजाय कोर्ट में केस लड़ने में ही वो लगे रहेंगे। हमारा सैनिक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, ये आपको मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री हो, ये कांग्रेस और उसके साथी मांग कर रहे हैं, और जो साथी मांग कर रहे हैं कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। आप मुझे बताइए, क्या देश में जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए? ये मांग आपको मंजूर है? इसको समर्थन करने वालों का आप विरोध करेंगे? हर जगह पर इनको घर भेजेंगे? हर पोलिंग बूथ में उनको परास्त करेंगे? साथियों, वो तो राष्ट्रद्रोह का कानून भी हटाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो भारत माता को गाली देने वालों को खुली छूट मिलेगी। देश के टुकड़े टुकड़े करने का जो गैंग मंसूबा रखती है उनको खुली छूट मिल जाएगी। क्या आपको देशद्रोहियों को बचाने के इरादे मंजूर है? क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? क्या देशद्रोहियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश उनको माफ कर सकता है क्या? आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर कांग्रेस भी कभी किसी को मंजूर नहीं हो सकती।
उनके महामिलावटी साथी भी मंजूर नहीं हो सकते। आपको ये मंजूर नहीं है तो फिर सपा बसपा की महामिलावट भी मंजूर नहीं हो सकती है।